नमस्कार दोस्तों, आज बात मुफ्त की सियासत की होगी और उन आंकड़ों की होगी जो अपने आप में एक सवाल खड़ा करते हैं। वो सवाल जो देश के भीतर गूंजना चाहिए लेकिन सत्ता के गलियारों में वो सवाल गुम हो जाता है। मुफ्त अनाज, मुफ्त राशन, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त सब कुछ, मुफ्त लैपटॉप भी और मुफ्त साइकिल भी, मुफ्त अनाज भी। यह मुफ्तखोरी की राजनीति की असली तस्वीर है क्या? जिक्र और आलन आकलन के हिसाब से बहस का विषय और चर्चा का विषय होना चाहिए, लेकिन क्या इस चमचमाती टीवी बहस की डिबेट में यह चर्चा का विषय है? और वो भी उस दौर में जहां पर हिंदू और मुसलमान की सियासत अपने चरम पर है। और इस बीच घोषणा पत्र में बड़े बड़े दावे उस तस्वीर को धुंधला कर देते हैं जो बुनियादी सवालों के इर्द गिर्द खड़े होते हैं। मुफ्तखोरी की सियासत में कौन सत्ता दल पीछे है? आम आदमी पार्टी केजरीवाल हूं, जहां रोज घोषणाओं पर घोषणाएं कर उन राज्यों में चुनावी बिगुल फूंक देते हैं, जहां दूसरे विपक्षी दल के सामने एक चुनौती, एक लकीर खिंच जाती है कि आप इससे बड़ी घोषणा करके दिखाइए। और ऐसे ही हर राजनीतिक दल इन घोषणाओं को लेकर सामने आता है, लेकिन मजबूरी और बेबसी देखिए जनाब कि चुनाव आयोग के हाथ बंधे रह जाते हैं, या यूं कहें कि चुनाव आयोग भी इन घोषणाओं के आगे बेबस साबित होता है। तो ऐसे में आज आकलन उसी मुफ्तखोरी की राजनीति का करते हैं और शुरुआत करते हैं 1966 से। यह वो दौर था जब तमिलनाडु से यह मुफ्तखोरी की सियासत की शुरुआत होती है। आज उसी दौर का हम जिक्र करेंगे और आएंगे 2021-22 के उस दौर में जहां पर मुफ्तखोरी की सियासत राजनीतिक दलों के लिए मजबूरी बन गई। अरविंद केजरीवाल का मॉडल सिर्फ सियासत में उस दौर को याद दिलाता है जब तमिलनाडु में डीएमके सत्ता में आने के लिए बेताब थी और उसने भी सिर्फ और सिर्फ 1.5 किलो चावल देने का वादा किया था, और वो भी महज और महज उस वक्त के दौर में 1 रुपए उसकी कीमत हुआ करती थी, यानी 1 रुपए में 1.5 किलो चावल। यह मैं उस दौर का जिक्र कर रहा हूं जनाब जिस वक्त खाद्यान्न आपूर्ति की समस्या सबसे ज्यादा थी। उस दौर में मुफ्तखोरी की सियासत की शुरुआत हुई। खैर, इसको लेकर भी एक अलग बहस हो सकती है कि वो जनता के लिए मजबूरी थी या फिर जरूरत। इसके आकलन के हिसाब से दौर दर दौर बढ़ता रहा और साल दर साल मुफ्तखोरी की सियासत आगे बढ़ती रही। और इस सियासत के दौर में वक्त आया 1982 का, जब टीडीपी ने आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिड डे मील, 2 किलो चावल, बिजली सब्सिडी जैसे चुनावी घोषणा अपने सीधे तौर पर चुनावी वादे में डाल दी। सत्ता मिली और सत्ता मिली तो इस बात की गारंटी भी मिल गई कि इस तरह की घोषणाएं सत्ता के लिए जरूरी है, सत्ता हासिल करने के लिए जरूरी है, चाहे इसके लिए बजट का बंटाधार क्यों ना हो जाए। मैं राज्यों दर राज्य उस घाटे का जिक्र भी करूंगा और उस आकलन का जिक्र भी करूंगा आपके सामने, जहां पता चलेगा आपको कि आमदनी अठन्नी है और खर्चा रुपया है। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, और घर में नहीं दाने, अम्मा चली बुनाने। यह जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं, उससे पहले कुछ आंकड़ों का जिक्र भी होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जिक्र इस बात को लेकर कि क्या सियासतदानों के लिए यह मजबूरी सिर्फ और सिर्फ वोट हासिल करने के लिए है। इसकी शुरुआत इस लिहाज से समझिए कि देश के भीतर अगर मैं बात भारत की करूं तो लगभग 6.5% लोग या उससे भी कम वो टैक्स देते हैं, वो टैक्स देते हैं, यानी कि उससे ज्यादा जो बची हुई आबादी है वो सब वोटर है। और माना यह जाता है जो टैक्स पेयर हैं वो अक्सर वोट करने भी नहीं चाहते। इतनी बड़ी आबादी को ध्यान में रखते हुए राजनेता यह फैसला लेते हैं। लेकिन अब इसका एक और गणित देखिए, मैं अमेरिका का जिक्र करता हूं। अमेरिका में लगभग 43% लोग हैं जो टैक्स चुकाते हैं, इसलिए अमेरिका की खासतौर पर राजनीतिक परिपेक्ष में देखें तो वहां इतनी हैसियत नहीं है कि मुफ्तखोरी की राजनीति की आदत आवाम को वो डाल दे। ऐसी स्थिति में सवाल यहीं पर खड़ा होता है कि मुफ्तखोरी की राजनीति क्या बजट के लिहाज से देश के भीतर उस दीमक की तरह अर्थव्यवस्था को तो नहीं चाट रही?
जहां पर बुनियाद खोखली साबित हो रही है। मैं यह जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की आहट अब सुनाई देने लगी है। मसला सीधे तौर पर उन घोषणाओं को लेकर अब खड़ा होता है जिन घोषणाओं के आधार पर सत्ता की लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। यहां अरविंद केजरीवाल का जिक्र जरूरी हो जाता है, जहां वो महिलाओं को 1,000 रुपया प्रतिमाह देने का जिक्र भी कर देते हैं, बिजली भी मुफ्त देने का जिक्र करते हैं, तमाम राजनीतिक दल लैपटॉप देने का भी जिक्र कर रहे हैं। लेकिन यहीं से ही यहां मसला मुफ्तखोरी की राजनीति से ना तो जनता का कल्याण होता है और ना ही राज्य का। इसका जिक्र इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मुफ्तखोरी की स्थिति यह बताती है कि वित्तीय स्थिति इससे ठीक नहीं होती राज्यों की और गड़बड़ाती है। अब यहां पर कई सालों से घाटा जीडीपी का जो है वो 9% तक जा चुका है, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। अब मैं राज्य दर राज्य हकीकत और बयां करता हूं आपको, और इस बात से समझ जाइए कि आखिरकार यह मुफ्तखोरी की राजनीति का एक सिक्के का दूसरा पहलू है जिसका जिक्र मैं आगे करने वाला हूं। लेकिन आमदनी 98 और खर्चा रुपया, यहां कुछ आंकड़ों का जिक्र बुनियादी तौर पर जरूरी हो जाता है, और इसकी शुरुआत देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का अगर मैं कुल खर्च देखूं तो 5,50,271 करोड़ का है। यह कुल खर्च है उत्तर प्रदेश का, जो देश का सबसे बड़ा सूबे है। फिर इसके बाद मैं महाराष्ट्र का जिक्र भी करूंगा, लेकिन इस खर्च के इतर जिसका जिक्र मैंने किया 5,50,271, और राजस्व की प्राप्ति यानी कि हमारी इनकम के आधार पर आमदनी खर्चा रुपया का हम जिक्र कर रहे हैं, आमदनी 98 और खर्चा रुपया। और इसी लिहाज से अगर हम देखें जहां पर 5,50,271 रुपए हमारा खर्चा है करोड़ों में, और ऐसे में हमें हासिल कितना होता है 4,20,672, यानी कि जो अंतर है दोनों के बीच का करोड़ों के हिसाब से 1,29,599 करोड़, यह अंतर है उत्तर प्रदेश का सिर्फ। और इस लिहाज से बजट के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो सोचिए जरा कि क्या यह मजबूरी है सत्ता हासिल करने के लिए कि घोषणा दर घोषणा हम करते रहें और राज्य की वित्तीय हालत धराशायी होती रहे। अब एक और जिक्र मैं महाराष्ट्र का करता हूं। महाराष्ट्र में कुल खर्च का अगर हम जिक्र करें तो यहां पर 4,84,091 करोड़ के आसपास इसका खर्च है, यानी कि यह खर्चा है महाराष्ट्र का। और आमदनी का जिक्र करूं तो 3,71,319 करोड़ आमदनी है महाराष्ट्र की, यानी कि अंतर हुआ 1,12,772 करोड़ का, और वित्तीय घाटा 2% से ज्यादा। अब ऐसे ही जिक्र मैं उन कुमाऊं राज्यों का कर रहा हूं खासतौर पर, जो माना जाता है कि ये राज्य जो है विकसित राज्य है। मैं पंजाब का जिक्र करूं तो पंजाब के परिपेक्ष में देखिए 1,78,015 करोड़ ये खर्च है, और फिर 95,263 इसका राजस्व है, यानी कि यह भी 72,000 करोड़ का अंतर दिखाई देता है। और ऐसी स्थिति अब दिल्ली की कर लेते हैं, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के उस मॉडल की भी कर लेते हैं जहां पर कुल खर्च है करीब 70,000 करोड़ का और 54,000 करोड़ का राजस्व मिलता है, यानी कि 14,000 करोड़ के आसपास का अंतर है। अब उत्तराखंड के परिपेक्ष में भी समझिए, उत्तराखंड 57,400 करोड़ रुपया इसका खर्च है और 44,174 करोड़ जो है वो राजस्व की प्राप्ति है, यानी कि करीब करीब 13,000 करोड़ से ज्यादा यह अंतर दिखाई देता है, और वित्तीय घाटा हुआ 3% के पार। यहां सीधे तौर पर मुफ्तखोरी अनाज का जिक्र भी जरूरी हो जाता है, लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी समझिए जनाब, उन लोगों का भी सोचिए जिनके सामने एक मजबूरी है। अगर ये योजनाएं ना चले, मैं अनाज का खास तौर पर जिक्र कर रहा हूं, मुफ्त अनाज, तो लोग भूखे मर जाएंगे। ऐसे में इस योजना का सब्सिडी का ऐलान, कीमतों में कटौती, पेट्रोल और खासतौर पर दूसरी चीजों के कीमत के दाम बढ़ना, इसको इस तरह से समझिए कि जनाब राजनेताओं ने आपको
एक उस्तरा शेविंग शेविंग करने वाला उस्तरा मुफ्त दिया, लेकिन उस उस्तरे में ब्लेड की कीमत बढ़ा दी। वो उस्तरा मुफ्त है लेकिन ब्लेड की कीमत बढ़ा दी। इसका आकलन इस तरह से आप कर सकते हैं। तो मुफ्तखोरी की राजनीति को लेकर हर किसी का अपना नजरिया अपनी सोच हो सकती है, लेकिन आज यह सत्ता की मजबूरी बन गई। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था जिसका जिक्र यहां जरूरी हो जाता है। मैं वक्त 2013 का कर रहा हूं जब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मसले को लेकर एक सुनवाई हुई, याचिका दाखिल हुई। एस सुब्रमण्यम बालाजी ने, ये वकील थे, इन्होंने एक याचिका दाखिल की इसी मसले को लेकर। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस पूरे मसले पर कि बढ़ती उपहार की राजनीति पर अंकुश लगाने के लिए कानून की आवश्यकता है, मगर क्या यह हो पाया? और उपहार बांटने से मतदाता और चुनावी प्रक्रिया पर असर होता है, सुप्रीम कोर्ट खुद मानता है। लेकिन यहां मसला आयोग, क्योंकि चुनाव आयोग के अधीन यह चुनाव होता है, और ऐसी स्थिति में चुनाव के वक्त ही 4.5 साल के भीतर आपको सिर्फ और सिर्फ देना पड़ता है, लेकिन 4.5 साल के बाद जब चुनावी घोषणा पत्र तैयार होता है तब राजनेता कहते हैं हम आपको देंगे। खैर, वो सपने चुनाव के बाद कितने पूरे होते हैं उस पर एक अलग बहस हो सकती है, लेकिन हकीकत यह है कि चुनाव आयोग भी इन घोषणाओं के आगे बेबस साबित होता है। यानी ये सीधे तौर पर प्रभावी तंत्र में ही एक मंत्र है, वो जीत का, वो है सीधे तौर पर लोक लुभावन वादे। और इस लकीर को पार कर पाना किसी राजनीतिक दल के अंदर हिम्मत नहीं है, चाहे वो सत्ता में रहे या फिर सत्ता से बाहर रहे। सत्ता में आना है तो घोषणाओं का पिटारा खोलना ही होगा। आपकी सोच, आपकी राय क्या है इन चुनावी घोषणाओं को लेकर? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, और हम ऐसे ही कुछ खबरें आप तक पहुंचाएंगे जो चर्चा का विषय और बहस का विषय बनना चाहिए, लेकिन क्या वो बन पाती हैं? लोक लुभावन वादे, चुनावी घोषणा पत्र और मुफ्तखोरी की राजनीति। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।